मिला है माननीय आयोग द्वारा, उसके हिसाब से हमारा गौतम बुद्ध नगर जनपद द्वितीय चरण में यहाँ पे चुनाव प्रस्तावित है और 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा और 26 अप्रैल को यहाँ पे पोलिंग होनी है। तो चुनाव के पूर्व की जो भी तैयारियाँ, अभी तक चुनाव घोषित होने के पहले जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था वो हमारा पोलिंग बूथ पे कार्य करने का था, मतदाता सूची पे कार्य करने का था। इन दोनों ही फ्रंट पे हम लोगों ने काफ़ी कार्य किया है। लगभग 18,30,000 से ज़्यादा वोटर्स हम लोगों की मतदाता सूची में शामिल हैं इन तीन विधानसभाओं को मिला के। 1804 पोलिंग बूथ हमारे तैयार हुए हैं, जिसमें बेसिक मिनिमम फैसिलिटीज़ को हम लोगों ने सही करा लिया है। कहीं कहीं पर थोड़ी कमी है, उसको भी सही करा रहे हैं। पूरे ज़िले को लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से 120 सेक्टर में बांटा गया और 26 जोनल सेक्टर में बांटा गया। ये सारे मैजिस्ट्रेट ग्राउंड पे काम करना शुरू कर दिए हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के प्रभाव में आने से हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, वीडियो VST की वीडियो सर्विलांस की टीम है, वीडियो ग्रीनिंग टीम है, ये सारी भी एक्टिवेट हो गई हैं। और आपने देखा होगा कि जो 24 घंटे के अंदर कार्य करने होते हैं, जो सरकारी कार्यालयों से जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स हैं, इनकी पोस्टर बैनर वगैरह को हटाना और बाकी चीज़ें को करना, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने सुनिश्चित करा ली। इसी तरह से 48 घंटे 72 घंटे की जो रिपोर्ट्स आनी है उसकी भी हम लोगों ने तैयारी कर ली है। आगे भी नियमित रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एनफोर्समेंट सख्ती से कराया जाएगा। आज अभी हमने पॉलिटिकल पार्टीज की भी बैठक बुलाई है, उसके बाद से प्रिंटिंग प्रेस वालों की भी बैठक बुलाई है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग के संबंध में माननीय आयोग के जो निर्देश हैं वो सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बता दिया जाएगा। संवेदनशीलता के दृष्टिकोण से हम लोगों ने अभी तक लगभग 342 बूथों को चिन्हित किया है और उन पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो जो होने चाहिए, चाहे वो प्रिवेंटिव मेजर्स हों या अन्य मेजर्स हों, वो सब हम लोग ले रहे हैं और इसको संवेदनशीलता को और कम करेंगे हम लोग। लेकिन हर ऐसे बूथ जो चिन्हित हुए हैं वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स तैनात होगी होगी। इसके अलावा जो नॉन CAPF मेजर्स होते हैं, चाहे वो वेबकास्टिंग हो, चाहे वो वीडियो कैमरा हो, चाहे CCTV हो या माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती हो, इन सब की भी व्यवस्था हम लोगों ने कर ली है। हमारे जनपद में पोलिंग पर्सनल पर्याप्त मात्रा में है, ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की कहीं कोई समस्या नहीं है। EVM मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है, आगे गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग सारी तैयारी पूरी कर लेंगे। हमारी जो स्ट्रांग रूम है वो मंडी में बनी हुई है, उसका भी निरीक्षण करके वहाँ पे भी तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। तो लगभग चुनाव के हर एस्पेक्ट को हम लोगों ने अच्छी तरह से तैयारी कर ली है और अब माननीय आयोग के जो भी निर्देश हैं उसका हम लोग अक्षर से पालन कराएंगे। अभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को हम लोग सेंसिटाइज भी करेंगे और आगे जब नॉमिनेशन हो जाएगा, कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे, तो उनके साथ भी बैठक करके उनको भी आयोग की जो गाइडलाइन है उनसे अवगत करा दिया। सर बात की जाए कितने बूथ कैटेगराइज कराए गए, यूथ बूथ, दिव्यांग बूथ, मॉडल बूथ, वुमेन्स के लिए अलग बूथ है, ये किस तरीके के बूथ है, क्या फैसिलिटीज रहेंगी? ये देखिए, हम लोगों ने चार कैटेगरी में इस बार बूथ उसको बनाया। जैसे एक बूथ होगा जो ऑल वुमेन बूथ होगा, उसका मैनेजमेंट पूरी तरह से महिलाओं के हाथ में होगा, चाहे पीठासीन अधिकारी हो, P1 हो, P2 हो, P3 हो, सारी महिलाएं होंगी। इसी तरह से दिव्यांग लोगों द्वारा भी मैनेज्ड बूथ होगा, ये भी बूथ हम लोगों ने चिन्हित किया, जहाँ पे सारे जो हमारे पोलिंग पर्सनल हैं वो दिव्यांग होंगे। इसी तरह से यंग जो पर्सनल हैं उनके द्वारा भी मैनेज्ड बूथ हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ, जहाँ पे यंगस्टर जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको लगाया जाएगा। और मॉडल बूथ हम लोगों ने बहुत सारे चिन्हित किए, जहाँ पे कि उसको एक अच्छा सा, क्योंकि लोकतंत्र का ये सबसे बड़ा त्यौहार है, तो उसको पूरे उत्साह के साथ हम लोग बनाए, तो इसके लिए हम लोगों ने ऐसे मॉडल बूथ को चिन्हित किया। सर, हाई राइज बिल्डिंग में बनाए हैं, हाई राइज बिल्डिंग में जो बूथ बनाए हैं वो अब की बार क्या नहीं बनाए हैं? देखिए, अर्बन एफिटी की बार बार बात होती है कि अर्बन एरियाज़ में वोटिंग परसेंटेज कम रहता है और इसका एक कारण होता है कि बूथ थोड़े से दूर होते हैं, जहाँ पे कि अर्बन वोटर्स जा नहीं पाते हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए इस बार गाइडलाइन आई थी कि कोई हाई राइज सोसाइटीज़ है तो वहाँ के कॉमन एरिया में ही बूथ बना दिया जाए। तो हम लोगों ने काफ़ी प्रयास करके लगभग 100 बूथ ऐसे चिन्हित किए जिनको कि हम लोगों ने हाई राइज सोसाइटीज़ के कॉमन एरिया में, उनका जो कॉमन स्कूल कोई था या क्लब हाउस था, उसमें शिफ्ट किया हुआ है। और इससे वहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियत, जो हमें फीडबैक मिल रहा है कि लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि उनकी बिल्डिंग के जस्ट नीचे ही बूथ बना हुआ है। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार हमारा जो अर्बन एरिया में पोलिंग परसेंटेज बढ़े। सर, बात की है मतदाता को सुविधा ना हो उसके लिए क्या क्या, और खास करके लिस्ट खोजने में दिक्कत, ये एक चुनौती है हमारे सामने जो पिछले चुनाव में आई है कि खासकर मतदाताओं को उनका नाम ढूंढने में परेशानी होने के कारण कभी कभी जो
दिक्कत होती है। तो इस बार हम लोगों ने एक तो जो वोटर हेल्पलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप है उसको काफ़ी उसका प्रचार प्रसार हम लोगों ने किया है, जिससे कि हर व्यक्ति अपना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से और वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपना बूथ नंबर और क्रमांक ढूंढ सकता है। आज की डेट में उसका किस बूथ पे वोट है और किस नंबर पे उसकी वोट बना हुआ है ये पता चल जाता है। इसके अलावा बीएलओज को भी काफ़ी हम लोगों ने सेंसिटाइज किया है कि जितने भी वोटर्स हमारी वोटर लिस्ट में है, क्योंकि एक बीएलओ के पास मैक्सिमम 1500 वोट हैं, तो उनको हर वोटर को टच करना है और अपडेटेड लिस्ट जो हमारी पब्लिश हुई है 23 जनवरी को उसके हिसाब से हर मतदाता को उसका क्रमांक और उसका बूथ नंबर बताना है। और जो मतदाता पर्ची का वितरण भी होगा इसमें भी हम लोग काफ़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करेंगे कि एक्चुअल में मतदाता पर्ची मतदाताओं के पास पहुंच जाए। हम लोग इसमें टेक्नोलॉजी का भी कुछ समावेश करेंगे और टेक्नोलॉजी की मदद से भी ये प्रयास करेंगे कि हर मतदाता को मतदान के दिन के पहले उसका पोलिंग बूथ और क्रमांक नंबर बताएं।